Realme 8 Pro डिवाइस में Realme UI 3.0 का न्यू अपडेट V.10 प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यार आज के वीडियो में हम इस अपडेट का करेंगे फुल रिव्यू एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आपके फोन में Realme UI 3.0 का ऑफिशियल स्टेबल वर्जन एट लास्ट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो के साथ में। तो यार हो सके तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के थ्रू आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एजुमेनो फायदा, आपको पता होगा Realme 8 Pro डिवाइस में V.10 का न्यू अपडेट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। जिस अपडेट का वर्जन है RMX3081_11_V.10 एंड ये अपडेट हमारे फोन में 465 MB के साथ में प्रोवाइड हो रहे। जिस अपडेट के साथ में हमें न्यू सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमारे फोन में जो भी बग एंड इश्यू देखने को मिल रहे हैं उन्हें काफी हद तक फिक्स किया गया है Realme तरफ से। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, ये अपडेट भी एक बीटा वर्जन है क्योंकि आपको फाइड में ट्रायल वर्जन देखने को मिलता है। अगर वहीं पर बात करें हम ऑफिशियल वर्जन के बारे में, तो ऑफिशियल वर्जन आपके डिवाइस में मार्च 2022 में प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से। बिकॉज जो मेनो फायदा, आपको पता होगा आपके फोन में December 2021 में 3.0 का फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट देखने को मिला था, तो आपके डिवाइस में थोड़ा सा लेट Realme UI 3.0 का ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बीच में आपके फोन में न्यू सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इसके रिलेटेड आपको कोई सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड साथ ही साथ हम बात करें ऑफिशियल वर्जन के प्रोसेस के बारे में, तो देखो अगर आपका फोन बीटा वर्जन में ऑलरेडी अपडेटेड है तो आपके डिवाइस में एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे कि ये अपडेट मिला, उसी अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में न्यू सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा, साथ ही साथ आपके फोन को ऑफिशियल वर्जन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा Realme तरफ से। एंड एक बात और, अगर आपका फोन 3.0 के बीटा वर्जन में रन कर रहे तो आप अपने फोन को एक बार रिफिट कर सकते हो। फोन को रिफिट करने के बाद आपका फोन पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि फोन जब बीटा वर्जन में रन करता है ना तो उसमें काफी ज्यादा बग एंड इश्यू देखने को मिलता रहेगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, देखो फोन को रिफिट करने के बाद आपके सारे के सारे बग तो फिक्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इश्यू है, लेकिन फोन को रिफिट करने के बाद आपका फोन पहले की अपेक्षा बढ़िया रिस्पॉन्स करेगा, इतना आप ध्यान में रखना। अगर वहीं पर बात करें ऑफिशियल वर्जन की और भी प्रोसेस के बारे में, तो एक्स्ट्रा प्रोसेस कोई सा भी नहीं है। अगर आपका फोन एंड्रॉयड 11 पे रन करे तो आपको थोड़ा सा लेट कलर स्टोल का सपोर्ट देखने को मिलेगा, 3.0 का थोड़ा सा लेट सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जिनका फोन बीटा वर्जन में ऑलरेडी अपडेटेड है उनके डिवाइस में 3.0 का ऑफिशियल वर्जन सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, इतना आप ध्यान रखना। एनीवे ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो चली वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।